किसी भी कंपाउंड में कितने टोटल एटम्स यूज होते हैं ये पता लगाना बेहद जरूरी होता है बेसिक केमिस्ट्री के लिए, एंड आप साथ में सीखेंगे नंबर ऑफ एटम्स का यूज कहाँ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स का पहला फंडा क्या होता है कि जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे वो फॉर्मूला बिल्कुल सही होना चाहिए। ये फॉर्मूला होता है कॉपर फास्फेट का, देन कॉपर यहाँ पर देखिए कितना दे रखा है 3, देन फास्फोरस इज 2, देन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हुआ तभी 2 आया, देन ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 4, 2 मल्टीप्लाई टोटल इज 8। इस फॉर्मूले में यूज हुआ ओनली 3 एलिमेंट का यूज हुआ है। यहाँ पर देखेंगे वैल्यू कितनी दे रखी, कॉपर 3, फास्फोरस 2, देन ऑक्सीजन 8। अब इन तीनों को ऐड करेंगे 8 to 10 एंड 3 to 13। इनकेस यहाँ पर 2 होता तब क्या होता, वैल्यू सब में क्या होती, अलग अलग आती, सभी मल्टीप्लाई होता। चलिए बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए 6 आएगा, देन फास्फोरस की वैल्यू कितनी होगी 2, पहले से ही था 2 कितना हो गया 4, एंड 2 का मल्टीप्लाई होगा 4 में 8 एंड 2 16 हो गया। अब इनको सबको ऐड करेंगे कितना आएगा 26 आएगा। इसका यूज देखिए बैलेंस करने में करते हैं, जब आप न्यूमेरिकल में आएंगे तब भी इसका मॉलिकुलर वेट को फाइंड करने में करते हैं। देन अब आता है इसका यूज़ कहाँ करते हैं, बैलेंसिंग में, मोलर मास में, परसेंट कंप्लीशन में, एंड एवोगाड्रो नंबर में, एंड आप जब भी न्यूमेरिकल लगाएंगे तब भी नंबर ऑफ एटम्स का यूज़ करते हैं। ये बेसिक केमिस्ट्री के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।